देखो बेटा, मानो निदा नहीं है, वो तुम्हारी बात मान लेगी, जिंदगी घुट घुट कर जी लेगी, उफ नहीं करेगी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बेटा, क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकोगे? देखो, अगर मैं ना भी बताऊं ना, तो सारी दुनिया जानती है कि मुन्ने के साथ ज्यादती तुमने की है, और अब वही ज्यादती तुम अपनी औलाद के साथ कर रहे हो। अफसोस तो इस बात का है कि 5 साल में तुम्हारा जमीर एक दफा भी नहीं जागा। चलो, मुन्ना तो तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन मानो तो तुम्हारी अपनी बेटी है ना, उसके साथ ऐसे करोगे? वैसे बेटा, अगर कोई आईना ना दिखाए तो इंसान को अपना असल चेहरा तो नहीं भूलना चाहिए ना। मैं जरा जा रही हूं मुन्ने की तरफ थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे अब्बा के साथ। वहां पंचायत बैठी हुई है और हमारी पेशी है। सलीका, तुम्हारे ख्याल में ये सारी फिल्म जो है हमारी प्रोड्यूस की हुई है? ऐसी लो बजट प्रोडक्शन तो आप ही की हो सकती है। अब्बा मियां ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई बेटा। जब तुम लोग की नाक के नीचे से हम अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं, तो फिर ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। ये तो दुआ दो मानो को कि उसने खुद इनकार कर दिया, वरना कहीं वो ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लो जी, कहां ले गया जलेबी चुप के? सलीका, ये तुम्हारा कहां अभी जलेबी खा खा के मरा नहीं? शुक्र तो हो ही गई होगी माँ जी। मार तो आपने दिया हमें जीते जी, सारी जिंदगी अब्बा ने सजी भाई का साथ दिया। तुम ये और क्या करता, गोली मार देता उसे। लो कर लो गल, उड़ीक उड़ीक के चंद चढ़िया है तो वो भी डिंग पड़ेगा। आप लोग मतलब की बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा तुम तो चुप करो, सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है, जरा भी समझदारी से काम नहीं लिया। कम अज कम अपने बाप की बीमारी का ख्याल कर लेती, अब तुम्हें मतलब याद आ रहा है? भी अम्मा, इसने जो गलती की है सॉरी कर तो रहा हूँ मैं। क्यों, इसने जुबान किराए पे दे रखी है क्या? किसी को भी अकल नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मुन्ना घर पे ही है? जी अंदर है। हटो। अरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मानो रस्ती ने? पूरा खानदान लठ लेकर घूम रहा है मेरे बच्चों के पीछे। अम्मा आप गलत शह दे रही हैं। अरे जाओ, अब तुम हमें सिखाओगे गलत और दुरुस्त। और जो तुम 5 सालों से गलती करते चले जा रहे हो अपने भाई के साथ, वो सारा कसूर शजी भाई का था। चलो, उसने तो कर ली हट धर्मी, मैं तुम ही दिल बड़ा कर लेते शायद उसे शर्म आ जाती। सारी जिंदगी मुन्ने को मुन्ना ही समझते रह गए, कभी बड़ेपन का भी तो सबूत देते ना। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप आए ना, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक हूँ। अरे मियाँ खैरियत से तो आए हो? अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूं। पूछे मेरे भाई से, इसे मंजूर है।